नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। गर्मी की मार, यहां पर उपाय रखें तैयार। ये मैं इसीलिए आप सभी को बता रही हूं क्योंकि मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी से लेकर उत्तरी और दक्षिणी से लेकर पश्चिमी हिस्से तक में तपिश महसूस की जाने लगी है। सुबह से ही चिलचिलाती और चुभन वाली धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। यूपी, बिहार, झारखंड से ओडिशा तक में गर्मी ने अब तक का जो सबसे ज़्यादा कहर है वो बरपाना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें, तापमान 40 डिग्री के पास तक पहुंच गया है। वहीं आईएमडी की जानकारी के मुताबिक गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रचंड गर्मी का प्रकोप यहाँ पर हम अगले कुछ समय तक देखेंगे और उससे कैसे आपको बचना चाहिए, कैसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, इस पर भी बात होगी। हीट वेव पर हमारी ये खास पेशकश में खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर नरेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक आईएमडी, डॉक्टर प्रीति छाबड़िया, सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन से, डॉक्टर ध्वनि शाह, डाइटिशियन, पंकज मेहता, फिटनेस एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर नरेश, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी सबसे पहले, क्योंकि जितने भी अभी तक अनुमान जारी किए गए हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की ओर जो है ये इशारा दे रहे हैं। और एल नीनो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो बातें सामने आई हैं, जो हाइलाइट्स और अपडेट सामने आए हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, गर्मी, क्योंकि अभी हम केवल अप्रैल में ही हैं, अभी तो पूरा मई निकालना है, तो ऐसे में गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है नरेश जी? देखिए, अगर आप बात करें तो अप्रैल में अभी तक जो मेजर हीट वेव्स पहले आए हैं, एक अप्रैल के शुरू में था, वो भी मेजरली ईस्ट इंडिया पे था, और इसके बाद अभी पिछले 2-3 दिनों से फिर ईस्ट इंडिया में ही मेजरली हीट वेव का प्रकोप चल रहा है। इस समय जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, झारखंड और हमारा बिहार। इस राज्यों के लिए हमने हीट वेव अलर्ट दे रखा है, और स्पेसिफिकली हम ओडिशा और वेस्ट बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। और बाकी हिस्सों में अगर साउथ इंडिया की बात करें, केरला, तमिलनाडु, रॉयलसीमा, वहाँ पे हम थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो रहा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर्स भी हायर साइड हैं, 40 डिग्री से ज़्यादा हैं, और उसके साथ ह्यूमिडिटी भी हायर साइड्स है। उसके लिए हम एक स्पेशल वार्निंग देते हैं पिछले 2 सालों से, हॉट एंड ह्यूमिड, मीन जब टेम्परेचर सामान्य से 3-4 डिग्री ज़्यादा होते हैं और ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल से ज़्यादा होती है, तो लोग काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो वहाँ भी हमने येलो अलर्ट दे रखा है। तो मेजरली यही रीज़न है ईस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स नहीं है, एज सच अभी अप्रैल महीना चल रहा है, इसके साथ आगे मई की बात करें तो टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा पहुँच ही जाते हैं। तो अभी भी जो है हीट वेव सिनेरियो कोई नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहीं पे भी आने वाले 6-7 दिनों में नहीं है, और इसके साथ वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है, और अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके प्रभाव से आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिमालय में हैवी रेनफॉल हो सकता है, प्लेन्स में लाइट रेनफॉल हो सकती है, और जिसके कारण टेम्परेचर जरूर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, सामान्य ही रहेंगे। चलिए, लेकिन डॉक्टर नरेश, ये आप कुछ 5-7 दिन की ही बात कर रहे हैं, है ना? जी जी जी, अभी आने वाले 5-7 दिनों में। अगर आप इसके आगे की बात करें तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए भी अनुमान यही है कि जो अभी राज्य हैं ईस्ट इंडिया के, वहाँ पे ही टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। सिमिलरली कोस्टल इलाके जितने भी है वेस्ट कोस्ट में भी, वहाँ पे भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। और अगर हीट वेव की बात करें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वही है जो भी राज्यों में चल रही है। ईस्ट इंडिया लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, और इस साल भी अभी भी हमारा यही अनुमान है कि ईस्ट इंडिया में ही हीट वेव ज़्यादा रहने की आने वाले 2 वीक्स में उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप मंथली या सीजनल की बात करें, जो हमारा आउटलुक था कि अप्रैल में, जून में जो टेम्परेचर्स हैं सामान्य से ज़्यादा रहने की उम्मीद है, और हीट वेव ही है जो नॉर्मल उनका फ्रीक्वेंसी है उनसे ज़्यादा ही रहने की उम्मीद है। अभी भी यही है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 2 से 4 होता है ईस्ट इंडिया में, वो अभी भी उससे ज़्यादा ही क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मे बी वी कैन से कि जो उड़ीसा या वेस्ट बंगाल में है वहाँ इस महीने टोटल 7 से 8 दिन जैसे भी ज़्यादा हीट वेव डेज रह सकते हैं।
डॉक्टर नरेश, ये बताएं कि अब जो अलनीनो के कमज़ोर होने की खबरें आ रही हैं, इससे गर्मी क्या ज़्यादा होती है या गर्मी का प्रकोप कम होगा? क्या इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं जो तापमान में इतना ज़्यादा हम भीषण गर्मी की ओर इसको जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जब अलिनो ईयर्स होता है, जनरल जो स्टडीज़ कहती हैं, उस समय हीट वेव का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। तो अभी जैसे 2 महीने आने वाले, उसमें अलिनो का इफेक्ट रहेगा ही, इसलिए जो हमारा अनुमान था, सीजनल अनुमान था, वो भी यही था कि टेम्परेचर्स सामान्य से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। वही हमने जो हमारा 1 अप्रैल को आउटलुक इशू किया था अप्रैल में और जून के लिए, तो उसी हिसाब से ऑलमोस्ट जो भी एक्टिविटी हो रहा है, टेम्परेचर सिनेरियो चल रहा है, तो वैसा ही चल रहा है ऑलमोस्ट। तो वो हमारा अनुमान भी यही था कि ईस्ट इंडिया में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, जब साउथ पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेंगे, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एज सच को इतना ज़्यादा अभी हमें, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया, एज सच टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा तो है, लेकिन वो अभी सामान्य की ही रेंज में है। हीट वेव की रेंज के लिए हमारा क्राइटीरिया क्या होता है कि अगर सामान्य टेम्परेचर 40 डिग्री होते हैं और उनका नॉर्मल से डिपार्चर, नॉर्मल मीन हम ऐसा मानते हैं कि पिछले 30 साल में जो नॉर्मल आज का टेम्परेचर क्या है और आज का वो हमने निकाला, उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है करंट टेम्परेचर में, अगर वो 4.5 डिग्री से ज़्यादा है तो हम हीट वेव बोलते हैं, अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा है तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। इसके अलावा जो हम बाकी फैक्टर जो वार्निंग इशू करने के लिए कंसिडर करते हैं, हमारा जो वार्निंग है वो येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट होता है, उसके लिए हम बाकी फैक्टर भी कंसिडर करते हैं। जैसे हम हीट इंडेक्स निकालते हैं, विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और इसके अलावा हमारा एक हॉट हैज़र्ड एनालिसिस भी है, उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, मिनिमम टेम्परेचर्स, हीट वेव और वार्म नाइट, वार्म नाइट मीन शाम के टेम्परेचर, सुबह के टेम्परेचर्स कैसे रहने वाले हैं उसको कंसिडर करके, उसके बाद ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हम भारत मौसम विभाग परसेंटाइल वाइज, मीन टॉप 5 परसेंटाइल टेम्परेचर कैसे हैं, वो भी हम साथ में कंसिडर करते हैं। इन सबको कंसिडर करके फिर हम अपना जो अलर्ट्स देते हैं, दैट इज़ इन विच मैंने आपको बताया 3 कलर्स में है, येलो, ऑरेंज और अलर्ट, वैसे हम उसको अलर्ट्स देते हैं। और स्पेसिफिकली जैसे अब समर सीजन है, हम एक स्पेशल बुलेटिन इशू करते हैं, जैसे 1 मार्च से लेके 30 जून तक हम क्या करते हैं कि हमारा 2 बुलेटिन जाता है, एक सुबह डिसास्टर मैनेजर्स के लिए, जहाँ जितने भी ऑल कंसर्न लोग हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, उसके लिए हम ये बताते हैं कि आने वाले 24 घंटों में मीन हीट वेव का कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हमारा एक 4 बजे स्पेशल बुलेटिन हम इशू करते हैं, उसके लिए हम ये बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में आने वाले 5 दिनों में हीट वेव रहेगा विद कलर कोड, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, सुजेस्टेड एक्शंस रहेंगे जो NDMA की गाइडलाइंस हैं वो हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जैसे इलेक्शंस का टाइम चल रहा है तो हम इलेक्शंस के लिए भी स्पेशल बुलेटिन इशू करते हैं। इंडियन रेलवे के लिए भी अभी से हमने एक स्पेशल बुलेटिन स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर आप रेलवेज की बात करें तो जो यात्री सफ़र करते हैं उनके लिए टेम्परेचर का काफ़ी हाई इम्पैक्ट रहता है, उसके लिए हम करते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, डिफरेंट जो एजेंसीज हैं जिनमें टेम्परेचर का यूज होता है, उसके लिए भी हम उनको बुलेटिन इशू करते हैं। डॉक्टर नरेश, लानिनो का भी एक सवाल मुझे पूछना है, क्योंकि लानिनो का भी इम्पैक्ट हमने देखा है कि अब की बार शायद पड़ता हुआ दिखाई देगा, तो उसको लेकर कोई खास अपडेट क्या, उसकी वजह से हम बारिश ज़्यादा जल्दी होने की संभावनाएं हैं, या आपको लगता है कि अपने अनुमान के मुताबिक जो कि फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि एवरेज मॉनसून या थोड़ा सा उससे बेहतर मॉनसून रहने का अनुमान है, अब तक मॉनसून को लेकर चीज़ें ट्रैक में है लालनीनो के बावजूद भी? जी, उसके लिए जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें हमारा जो प्रेस रिलीज इशू किया था, उसमें यही है कि इस समय जो इंडिया एज ए होल जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो अब नॉर्मल रहने की उम्मीद है, तो वही हमने अभी तक इशू किया, तो नेक्स्ट अपडेट अब स्लोली आगे हम करेंगे। जी नरेश, मेरे ख्याल से आपको फारिग होना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए आज, धन्यवाद। थैंक यू। चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब
मौसम की दशा और दिशा हमें काफ़ी हद तक समझ में आ गई है, और वैसे में आपको अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है इस पर थोड़ा सा हम बारीकी से बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्रीति, अब गर्मी तो मेरे ख्याल से शुरू हो ही चुकी है, और आने वाले वक्त में जैसा कि डॉक्टर नरेश ने बताया ही कि हम 5 से 7 दिन और उसके बाद भी जो गर्मी को लेकर अनुमान है वो जस का तस रहने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है, कैसे अपना ख्याल रखें? आजकल से होता है कि आप सुबह उठते हैं और लगता है कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, इतनी चटक धूप होती है, बाहर निकलना जो है वो मुश्किल होता है। देखिए मतदान भी अब शुरू हो चुके हैं, लोगों को बाहर निकलकर वोट भी डालना होगा, कैसे क्या करें और क्या ना करें? डॉक्टर प्रीति जी धन्यवाद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमें सब लोगों को सावधानी लेनी है, विशेषकर हमारे जो बच्चे और वृद्ध लोग हैं उनको ज़्यादा सावधानी लेनी है, बिकॉज उनका सरफेस एरिया जो होता है ज़्यादा होता है, तो इसके हिसाब से उनको ज़्यादा और बहुत सारी मेडिकेशंस जो हमारे वृद्ध लोग लेते हैं उसके कारण भी हीट का प्रभाव उन पे ज़्यादा पड़ता है, तो इसीलिए सबको इसकी सावधानी लेनी है। एक तो 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है गर्मी के मौसम में, बेशक हमें महसूस ना हो फिर भी हमें बहुत सा ध्यान देना है कि हम अपना हाइड्रेशन अच्छे से करें। हाइड्रेशन में पानी सबसे स्वच्छ रहता है। दूसरी बातों में जो चीज़ें जिससे और हीट बढ़ सकती है, जैसे हॉट लिक्विड्स हमें अवॉइड करने हैं, जितना हो सके स्नान और जो क्लीनिंग भी है कूल लिक्विड से करनी है, और अगर एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट है, और अगर बाहर जाना है तो वी शुड अवॉइड द पीक टाइम्स ऑफ हीट, जैसे मिड डे बहुत ही हाई टेम्परेचर्स रहता है तो उस समय हमें अवॉइड करना है, या तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स या लेट इवनिंग आवर्स टू गो आउट इज़ बेटर। जितना हो सके हम कूल टेम्परेचर्स मेंटेन करें अपने घर में भी, लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट इज़ बेटर देन डार्क कलर्ड क्लोथ्स जो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं इस सब से। और दूसरी बात, हमें अगर मेडिकेशंस हैं जिससे बहुत वेजोडाइलेशन होता है वो भी हीट के टाइम पे अपने डॉक्टर से पूछ के अगर कुछ एडजस्ट होता है, स्पेशली हमारे एल्डर्स में, वो हमें ध्यान देना है। डॉक्टर प्रीति, गर्मियों में ना बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, उसमें जो आम है आँखों में जलन होना, पैरों के तलवे और एड़ियों में जलन होना, रैशेज आ जाते हैं लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को लेकर चिंता तो रहती ही है, ये छोटी छोटी तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन ये सब बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं एक 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 आम स्वस्थ आदमी को भी, शख्स को भी, अगर हम देखें अगर धूप में बाहर निकलना हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? हीट स्ट्रोक और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत आम देखी गई है, तो ये जो आम शिकायतें जो मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए कोई ख़ास तरह से आपको प्रबंध कर लेना चाहिए? जी, तो एक तो जैसे मैंने कहा हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, आपको ओरली अपने मुंह से बहुत पानी और लिक्विड्स, कोल्ड लिक्विड्स लेते रहने चाहिए, स्किन को संभालने के लिए स्किन मॉइस्चराइजर्स बहुत ज़रूरी हैं, वो केवल वो बहुत से मॉइस्चराइजर्स आते हैं जिसमें सन ब्लॉक भी रहता है, उससे यूवी लाइट्स का प्रभाव कम पड़ता है स्किन पे, तो ड्राइनेस के ज़्यादा वो क्रैक्स हो जाते हैं और फिर बर्निंग भी होती है, तो स्किन मॉइस्चराइजर्स भी ज़रूरी हैं, लाइट कलर्ड के कपड़े जैसे मैंने कहा, और दूसरा अगर जाना ही है दिन भर में बीच दिन में बाहर तो अम्ब्रेला का यूज़, जिससे पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट सन का नहीं होगा, वो भी प्रयोग कर सकते हैं उस चीज़ का। डॉक्टर ध्वनि, अब चलिए यहाँ पर हाइड्रेशन का आपको ख्याल रखना है लेकिन बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, लिक्विड तो आप फिर भी कंज्यूम कर लें लेकिन सॉलिड्स आप नहीं खा पाते हैं, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो कई बार पेट भी भरा हुआ रहता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कमज़ोरी के शिकार भी लोग हो जाते हैं, तो कैसे इस बात का ख्याल रखें, खाना हल्का खाएँ, क्या ये सही होगा? सबसे पहले हाइड्रेशन की बात करें तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि हाइड्रेशन सिर्फ वाटर से नहीं इनफ होता है व्हेन द हीट इज एक्स्ट्रा, क्योंकि जब बॉडी कूल डाउन करती है अपने आप को इट लूजेज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और अगर आप सिर्फ
3 लीटर 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स और डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ भी अफेक्ट हो जाती है, स्किन ड्राइनेस एक्सेट्रा हो जाती है, टेस्ट बड्स खराब हो जाते हैं. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट हाइड्रेशन, आप इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड्स लीजिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्लूकोज से भरे, कलर एसेंस से भरे लिक्विड्स पीजिए या फ्रूट जूसेस पीजिए, पर सिंपल आप पानी में सॉल्ट, शुगर, लेमन डालिए, जैसे नींबू पानी है, शिकंजी है, उसको डाइल्यूट करके आप पीजिए. कोकोनट वाटर हो गया, बटर मिल्क हो गया, आप सिंपल पानी में थोड़ा सा जीरा या पुदीना डाल के पीजिए. ऑल ऑफ दीज हाइड्रेट योर बॉडी अ लॉट बेटर और वो एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन करते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट हंगर, ये कॉमन है कि समर में योर हंगर इज 20% लेसर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव फायर उतनी भी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज योर बॉडी इज यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप इट कूल. सो वो 20% हंगर कम होना इट्स नॉर्मल. इनफैक्ट आप अपने मील्स ब्रेकफास्ट और डिनर में कॉन्सेंट्रेट करिए. यू ईट कुक्ड मील्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड डिनर. लंच में आप फ्रूट बोल हो गए, रायता हो गया, यू कैन ईट लेसर कुक्ड मील्स. जैसे आप थोड़े पल्सेस के साथ सैलेड ले सकते हैं. यू ईट लेसर मील्स. भूखा रहना इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि वो आपको वीक कर सकता है. आप हल्का मील ले लीजिए या क्वांटिटी 20% कम कर लीजिए, विच विल मेक यू वेरी कंफर्टेबल. और अगर ऐसा फील हो रहा है कि खाने के बाद ब्लोटिंग हो रही है, देन यू नीड टू स्टॉप हैविंग वाटर या लिक्विड्स विद द फूड. ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है समर्स में, बहुत पानी पीते हैं हम खाने के साथ. सो इफ यू अवॉइड दैट, ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा. चलिए थोड़ा सा फिटनेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंकज गर्मियों में बहुत वर्कआउट होता नहीं है, और अगर आप सुबह उठकर सीधा वर्कआउट कर रहे हैं तो पूरे दिन की एनर्जी शायद हो सकता है आपकी सुबह ही चली जाए. बहुत सारे लोग हैं जो शाम को वर्कआउट करने जाते हैं तो पूरे दिन की थकान के बाद वर्कआउट हो भी नहीं रहा है. अब ऐसे में कैसे अपनी एनर्जी को आप बचा कर रखें, और वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के दौरान और उसके बाद कैसे अपने खान पान का भी ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको कोई और सेहत को लेकर परेशानियां सामने ना आ जाए. देखो जैसे मैम ने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि घर में आरओज लगे हुए हैं, पहले ही पानी जो है कंप्लीट वाटर आ नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. आउटडोर वर्कआउट बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, या तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हो, या फिर जिम में जहाँ पे एसी या एनवायरमेंट पूल होता है वहां पे आप वर्कआउट हो तो जो स्वेट आउट है थोड़ा सा कम होगा. और इलेक्ट्रोलाइट जरूर हमें मेंटेन करके रखना है, क्योंकि पानी भी सफिशियंट नहीं है जो अगर हम उसको हाइड्रेट भी अपनी बॉडी को करते रहेंगे, क्योंकि हमने सबके घरों में आरओ लगे हुए हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे ही कम रहते हैं. और स्वेट आउट ज्यादा होता है तो और इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, सिग्नलिंग में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कट हेड में भी डिस्टर्बेंस होती है. वर्कआउट जरूर करें, वर्कआउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनर्जी कैसे मेंटेन करें, अगर एटमॉस्फेयर कूल है जिम का तो कोई एनर्जी मेंटेन करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है. सुबह आप एम्प्टी स्टमक भी कुछ कार्डियो टाइप कर सकते हैं, जो मसल बिल्डिंग के अंदर है वो छोटी सी मील लेके, और जैसे कि सॉलिड खाया नहीं जाता तो हम दलिया या खिचड़ी या कोई भी शेक्स बना बना के हम मील को ले सकते हैं, नट्स के साथ सब कुछ ऐसे करके, तो हम अपना जो कैलोरी नीड है उसको पूरा कर सकते हैं. और गर्मियों में वैसे भी जैसे मैम ने बताया कि डाइट कम हो जाती है, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बाहर से बहुत ज्यादा नहीं होता तो हमको बहुत ज्यादा इतनी कैलोरीज की जरूरत भी नहीं होती, 20% वैसे ही हमारी नीड कम हो जाती है, तो हम उतनी ही कैलोरीज के अंदर, इतनी ही एनर्जी के अंदर बहुत अच्छा वर्कआउट प्लान कर सकते हैं. और बल्कि समर्स में आप देखेंगे जिम्स या फिटनेस सेंटर्स हैं काफी क्राउडेड होते हैं, क्योंकि समर में ही लोगों को दिखाने का मौका मिलता है कुछ जो उनके पास है, तो वो ज्यादा बल्कि वर्कआउट करते हैं. तो लेकिन न्यूट्रिशन का बिल्कुल ही ध्यान रखना है, और वर्कआउट का जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा ध्यान रखें. और जो बच्चे हैं वो बाहर खेलने की जिद करते हैं शाम को, तो थोड़ा सा वो अवॉइड करें, क्योंकि शाम को बिल्कुल जब थोड़ी छाया हो जाए या अब बच्चों की छुट्टियां होंगी तो वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर खेलने जाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चे ज्यादा स्वेट आउट करते हैं. और जो क्लोथ्स भी जो पहनते हैं ब्रीदेबल हो, है ना, जैसे आजकल ड्राई फिट आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, वो शायद उनके अंदर इतना ज्यादा स्वेट आउट हो नहीं पाता, तो वो ब्रीदेबल क्लोथ्स होंगे तो हमारी स्किन अच्छे से ब्रीद करेगी और स्किन पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम है. और जैसे अभी हॉट और ह्यूमिड दोनों चीजें होने वाली है, और ह्यूमिड टाइम में
माइक्रोबायोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है या वायरस की ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है किसी भी चीज की। तो हमें थोड़ा सा बस खाने को जब भी बनाया उसी वक्त खा लें, या उसी वक्त काटे फ्रूट उसी वक्त खा लें, और सीजनल फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में रखें तो हम काफी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर एक वर्कआउट रेज्यूम जो आपको फॉलो करना है, और हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना है। डॉक्टर प्रीति, अब ये बताएं, अब गर्मियों में किस किस तरह की तकलीफ़ें या बीमारियां बहुत आम है? हमने कुछ की तो बातचीत कर ली है, लेकिन स्पेसिफिकली किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए? खान पान से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारियाँ हो, या इसके अलावा और भी कोई बीमारी जो अगर आपने हल्के में ले ली तो शायद गंभीर बन जाएगी? जी, गर्मी में जैसे अभी मेंशन हुआ है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस इजीली ग्रो होते हैं, तो इसीलिए फूड बॉर्न इलनेसेस बहुत कॉमन है, वाटर बॉर्न इलनेसेस भी कॉमन हैं, जैसे टाइफॉइड फीवर रहा, गैस्ट्रोएंटराइटिस रहा जिसमें पेट डायरिया होती है, कंजंक्टिवाइटिस आँख की इलनेस वो भी बहुत कॉमन रहती है, और जैसे मॉनसून शुरू होगा तो उसके बाद तो फ्लू का सीजन बहुत जोरों से आता है, और फिर मलेरिया और डेंगी भी शुरू हो जाता है बहुत, लेकिन हीट में, और जो आपने कहा हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक, वो बहुत ही मेजर इलनेस है जिसमें एक हर एक ऑर्गन का अफेक्ट हो सकता है, एंड दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू। तो इसीलिए हमें गर्मी से सावधानी से काम लेना है, हमें बहुत से वैक्सीनेशंस जो है वो भी शुरू हो जाने चाहिए, अभी टाइम है कि हम टाइफॉइड वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, इन पे ध्यान दें ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें आने वाली इलनेसेस को। ये टाइफॉइड वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन लोकली आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके ले सकते हैं? कुछ एहतियात जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वैक्सीन लेने से पहले? डॉक्टर के पास ले सकते हैं, हर डॉक्टर के पास अवेलेबल हैं कि नहीं वो कहना मुश्किल है, लेकिन बड़े सेंटर्स में सब जगह अवेलेबल है, वहाँ पर चेकअप होता है कि आपको कोई और इलनेस नहीं है और आप रिस्पॉन्ड अच्छे से करेंगे वैक्सीन के लिए। फ्लू वैक्सीन जनरली मई जून में इजीली अवेलेबल है, और वो हर ईयर दोबारा लेना पड़ता है बिकॉज फ्लू वायरस म्यूटेट होता है, तो हर ईयर नया स्ट्रेन आता है, लेकिन टाइफॉइड इंडिया में बहुत अच्छी वैक्सीन है जिससे वो वन वैक्सीन गिव्स यू वेरी लॉन्ग प्रोटेक्शन, और वो इतनी मेजर इलनेस है जो जो इजिली वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है, तो हमें इसकी जानकारी फैलानी है ताकि लोग प्रिवेंट कर सकें। बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा ध्वनि ये बताएं कि खान पान के अलावा आप जब धूप में निकल रहे हो तो किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं? छाता लेकर निकलें, अपने सर को ढककर निकलें, बच्चे जो हैं उनको नंगा सर ना रखें, खासतौर से छोटे बच्चे, उनको तो खैर बाहर निकालें ही नहीं, लेकिन अगर निकाल भी रहे हैं तो थोड़ा सा ढककर निकालें, क्या ये सब एहतियात बरतना ज़रूरी हो गया है अब? स्पेशली पीक आवर्स में इट इज मैंडेटरी क्योंकि हीट का प्रभाव इतना ज्यादा होता है बॉडी पर। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप जब धूप में बाहर निकल रहे हो एंड व्हेन यू आर कमिंग बैक होम, तो हमारी आदत होती है कि घर आके फुल पावर फैन हम लगा देते हैं या फुल ब्लास्ट पे एसी लगा देते हैं, तो ये जब टेम्परेचर डिफरेंस इतना एक्सट्रीम होता है हमारी बॉडी शॉक में चले जाती है, एंड दैट इज व्हेन हेडेक्स होना या डिहाइड्रेशन होना और भी कॉमन है। तो आप जब धूप में बाहर निकले तो आप इमिजिएटली एसी रूम से बाहर ना निकले, आप एक कोई कॉमन एरिया में 2-5 मिनट रुक के फिर निकले, एंड व्हेन यू आर कमिंग बैक आप यही चीज ध्यान रखें। सिमिलरली विद कार, तो यही होता है कार पे फुल ब्लास्ट एसी एंड देन व्हेन यू आर गेटिंग आउट, तो ये हमें ध्यान रखना है कि आप जब डेस्टिनेशन पे पहुंचने आ रहे हो अब 2 मिनट पहले ही एसी बंद कर लो, गेट योर बॉडी एट रूम टेम्परेचर एंड देन यू गेट आउट। तो ये बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म पे एक शॉक नहीं होता है, खास करके बच्चों के लिए, काफी बच्चों की स्कूल अप्रैल में होती है, आईबी बोर्ड्स की स्कूल मई में भी होती है, तो बच्चों को ये ध्यान रखना है
सनस्क्रीन्स आर नॉट ऑलवेज फॉर ऑल एज ग्रुप्स, अगर आपके बच्चे एलिजिबल है तो आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, पर आप ट्राई करिए कि उनको फुल्ली कवर ना रखें, द स्वेट एंड द वाटर हैज टू गो आउट. तो भले आप अगर फुल स्लीव क्लोथ्स उनको पहना रहे हो, मेक श्योर दे आर लूज फिटिंग क्लोथ्स एंड नॉट टाइट फिटिंग क्लोथ्स. सिंथेटिक फैब्रिक्स अवॉइड करने हैं, और ख़ास करके उनके बेवरेजेस में जैसे कलर इसेंसेस, सोडा, कोलास, जो भी ये पॉप्सिकल्स, ये सारी चीज़ें होती है, दे डिहाइड्रेट द बॉडी फर्दर, इम्यूनिटी भी ड्रॉप कर देती है, फ्लू के चांसेस, कोल्ड कॉफ के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो यू प्रिफर गिविंग देम होममेड बेवरेजेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें आप उनको बॉटल में दे दीजिए टू सिप इन स्कूल. So this will keep their body temperatures normal, and of course protection is mandatory, cap, umbrellas, sunglasses wherever possible. All right, चलिए मेरे ख्याल से कुल मिला के भीषण गर्मी से कैसे आपको बचना चाहिए और कैसे इस भयंकर गर्मी में आपको रहना है संभल कर, इसके तमाम नुस्खे हमारे पैनलिस्टों ने आपको दिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया. मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार. To every